गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज घर से निकलने में बहुत लेट हो गई थी, इसलिए मैंने घर से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। मैं ब्लॉग जो स्टार्ट कर रही हूँ ऑफिस से कर रही हूँ। आज ही ट्यूजडे 21 और कल है वेनजडे 22, तो कल से नवरात्रि चालू। तो नवरात्रि के तो आपको डेली ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, और आज भी मैं यहाँ से जाऊँगी। उसके बाद घर पर काफ़ी सारे काम है। नवरात्रों के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करके लानी है, देवी का श्रृंगार का सामान, चुनरी वगैरह, और मंदिर की भी सफाई करनी है। तो सब कुछ आपको इसी ब्लॉग में देखने को मिलेगा, तो इसलिए ब्लॉग में बने रहना और पूरा ब्लॉग देखना, प्लीज़ स्किप मत करना। और अभी इससे पहले गए थे मथुरा वृंदावन, उस ब्लॉग की भी पूरी सीरीज़ आएगी। एक एक जगह गए थे, मैंने बड़े छोटे छोटे ब्लॉग बनाए, पर हर चीज़ के ना अलग अलग ब्लॉग्स बनाए हैं। जहाँ जहाँ हम गए थे इतना आनंद आया कि मतलब मैं बता भी नहीं सकती। इतने अच्छे दर्शन हुए ना, मैंने सोचा नहीं था। बाबा ने मुझे पहली बार बुलाया, बाबा ने मुझे इतने अच्छे दर्शन दिए। पता है आपको, मैंने जब बाबा को देखा ना, मैं भूल गई कि मुझे उनसे कुछ कहना है या कुछ मांगना है। मुझे कुछ नहीं याद आया, सिर्फ मुझे वही दिख रहे थे। आज भी मेरे साथ है, जब मैं आंखें बंद करती हूँ ना, उनका चेहरा ना मेरी आंखों के सामने आता है, मेरी आंखों में बस चुका है। वहाँ पे मैंने फोटो नहीं खींची, वीडियो नहीं बनाई, जस्ट बिकॉज अंदर फोटो खींचना वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। बहुत से लोग बना भी रहे थे, कर रहे थे, लेकिन उनका फ़ोन छीन रहे थे। कितने लोगों के फ़ोन हमारे सामने छीन लिए, तो मैं नहीं चाहती। तो मैं बाबा को देखने गई थी, मैंने बाबा को देख लिया, मिले बहुत थे, ठीक है। सो बहुत मज़ा आया। और फिर हम रात को आए 4 बजे वापस, तो आपको ब्लॉग देखना, काफ़ी अच्छे ब्लॉग लगेंगे और मज़ा भी आएगा। राधा रानी का मैंने दर्शन कराए हैं, आपको वो देखना। राधा रानी के राधा रमन है, नंदगांव है, निधि वन है, सब जगह है। तो सारे ब्लॉग्स देखना, सब ब्लॉग्स बहुत अच्छे अच्छे आने वाले हैं, और इस ब्लॉग में बने रहना। तो मैं अब ऑफिस में आ गई हूँ, कुछ काम कर रही हूँ, तो चलो मैं काम कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलूँगी बाद में। हाँ, और दो तो दो कितनी लेते हैं? तीन दे देना, थोड़ी सी बड़ी। हाँ, इससे दूसरी वाली। ये वाली थी क्या? ये तो छोटी है, पर इतनी छोटी जो हमारे भगवान जी के नहीं आती, उनकी एक ही वाली दे देना। सत्या वाली, ये वाली तो पुराना हो गया स्टाइल, यही वाली दे दो आप। दो ही वाली दे दो, ऐसा करो। भाई ये कपड़ा नया कपड़ा है, रेड भी है, नया कपड़ा है। तो हमने यहाँ से ले ली चुनरी और श्रृंगार का सामान, हीरा सारा श्रृंगार का सामान। दवाई तो चली जाएगी उसकी? हाँ चाचा, दवाई तो चलिए, दवाई तो अभी खैर देखो चलेगी। बीमारी आती तो एकदम, जाती तो धीरे धीरे ही है। वही तो। अरे ये चालू हो गई मंदिर की डेकोरेशन नवरात्र के लिए कल से। मम्मी डॉगी, अरे कितनी सुंदर डेकोरेशन कराई है इसमें। यहाँ पर आए हैं, कुछ 6 इंच वाले लेना। क्या देख रही मुझे, तेरे मतलब कुछ नहीं आता। इयर रिंग्स पहने, तेरी मम्मी तुझे इयर रिंग्स पहना देंगी, मतलब टॉप्स नहीं पहन सकती। क्या है दिखाना? देखो मैंने 2 हेयरबैंड लिए हैं, एक ही वाला ब्लैक वाला, एक ही वाला, दोनों। ये कौन सा कलर है ये बताओ? ये इंग्लिश कलर। इंग्लिश कलर, देख जरा, मेरे मतलब के नहीं है थे। चलो इसमें से भी निकालती हूँ एक इयररिंग्स। देखो इन वाले हेयरबैंड्स के इतने सारे कलर है। चाची तू नहीं पहन सकती इस हेयरबैंड के, इतने सारे कलर है। हाँ मुझे लगा भी अपने लिए निकाल लिए। और वैसे इस वाले सेट का प्राइस क्या है इस वाले का? हाँ मेरे लिए 200। अच्छा, और मैंने 2 हेयरबैंड निकाले हैं ना। हाँ मेरे 2 हेयरबैंड। और इसका क्या प्राइस है इयररिंग्स का? 20। तो एक निकाल दो कोई सा भी, तो अच्छा सा हो, ज्यादा सा। ये वाला, वो वाला नहीं, वो वाला छोटा सा है, थोड़ा बड़ा सा 2 रुपए से निकाल दो। बड़ा सा ये देखो। सो गाइस, अब मैं करने बैठे अपने मंदिर की सफाई, और देखो मेरा पीछे पापड़ है, ये जो हमने बनाया था ना आलू पापड़, वो है सारे। अभी थोड़े सूखे नहीं, होगी बारिश आ गई ना, धूप नहीं निकल पा रही इस वजह से। अब मैं मंदिर की सफाई करूंगी, पहले सब भगवान जी को हटाऊंगी, फिर अबरी चेंज करूंगी, कपड़ा चेंज करूंगी, फिर सबको बैठाएंगे, और उसके बाद सुबह सबको नहलाएंगे। देखो ये रहा, आज तो मैंने खाली कर दिया, बस थोड़ा सा बचा वो और कर देती हूँ। सो गाइस, वैसे तो मंदिर साफ हो चुका है, बस ये मैस रह गया, इसको उठाना है, मतलब ये कबाड़ा है। और देखो सबको माला भी पहना दी, और ये वाली जो माला है ना, और ये वाली बड़े भगवान जी की, और ये वाली छोटे भगवान जी की, वाली बहुत क्यूट है, लुक बहुत ही प्यारी सी माला है। ये मैं वृंदावन से लाई थी, मतलब वृंदावन से, हाँ ये हमने बरसाने से ली थी, नहीं देख ली, बरसाने से भी नहीं बल्कि गोवर्धन से ली थी। और ये वाली जो बांसुरी है,
ये हमने बरसानी से ली थी, सब्जी किसे लगा सामान लिया था, हाँ समेट रही हूँ मैं बस इसे। और मैंने अपने लिए ना एक राय कि वो भी लिया था जैसे चलते हैं ना ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के सेट चलते हैं यहाँ तक लंबी इयरिंग्स, मैंने वो वाले भी सेट लिया था। और उसमें ना बट सब में तो नॉर्मल पेंडल वगैरह अलग टाइप के थे, पर मैंने जो इसमें राधा किशन जी सारे थे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, मैंने वो लिया था। मैं आपको दिखाऊंगी इस व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में किसी में भी, जब मैंने उसको भी ऊपर उठा के रख दिया ना तो मैं वो दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारा लग रहा था। राधा किशन जी इतने सुंदर लग रहे थे, मैंने ये तो मैं लूंगी लूंगी, मैंने वो लिया था अपने लिए। एक मैंने राधे राधे लिखा वो कल लिया था, वैसे तो इतना कुछ खास लिया नहीं, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिला मैं घूमने का, तो ये तो काम निपट गया बस, अब देखते हैं करना है। भगवान अब मैं क्या करने वाली, मंदिर की सफाई तो हो गई, चेंज कर लिया, फेस वॉश भी कर लिया, स्किन केयर कर लिया, क्योंकि काफ़ी दिनों से स्किन केयर नहीं हो रहा था, कहीं बाहर जाओ तो डिस्टर्ब हो ही जाता है। अब मैं वैसे भी इतनी कॉन्शियस नहीं हूँ, तो मैं खाने वाली हूँ, कल से फास्ट है, मैं खाने वाली हूँ चाउमीन। मैंने अपने भाई से मंगाई थी बट आई तो बहुत देर पहले थी, बट मैं फालतू के काम में लग गई, बट फालतू के काम में मैं क्यों लगी थी, सब चेंज करना ये सब करना। चाउमीन ठंडे भी मैं माइक्रोवेव करूँगी, मम्मी ने काटे हाँ मम्मी बनाएंगे मैंगो शेक कल से फास्ट। सर माइक्रोवेव का बस यही फ़ायदा होता है, देखो अरे एक दो मिनट में सब चीज़ें यूँ फटाफट से करने जाती हैं। यस 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 चल जा मेरे बच्चे चल जा, कितनी बार तो पता है मैं क्या कम करती हूँ, मैं माइक्रोवेव चला छोड़ देती हूँ, फिर मम्मी आते मम्मी देखे मुझे कई बार तो गाली भी पड़ चुकी, किसी दिन फूक जाएगा ये, किसी दिन फूक जाएगा ये, नया आया है फूक जाएगा, फूक जाएगा। देखो जब भी माइक्रोवेव घूमता है ना मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इसको गर्म कर लेती हूँ फिर हम इसको खाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो आज से चालू है चैत के नवरात्र, और आज से चालू है हिंदू नववर्ष, तो आप सभी को चैत के नवरात्र हिंदू नववर्ष के बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम हो चुके हैं सुबह नहा धो के रेडी, अब हम कर रहे हैं जस्ट पूजा की तैयारी, क्योंकि जोत करनी है उसके बाद फिर जाना है मुझे ऑफिस। तो देखो क्या बोलो, ये वाले नहीं रेड कलर वाले होते छोटे वाले कान्हा जी की, वो दे दो तो सबको वैसे से बना दूंगी ना, रेड से येलो से एक जैसे से कलर। और मैंने भगवान जी को नहला दिया है, स्नान करा दिया है, जस्ट ये कपड़े पहनाऊंगी, और ये सब पूजा का सामान है, इसमें हमारे में जोत करेंगे ये कलश स्थापना के लिए, और ये है अखंड जोत के लिए। हाँ ये वाला ठीक है, ये वाला रेड एंड ग्रीन वाला, ऑरेंज वाला नहीं येलो वाला, तो जल्दी से मिला देते हैं तैयार कर देते हैं। इसमें वो नहीं बनाते सतिया, हाँ सतिया बना ले और पानी में इस पर भी सतिया बना दी प्लेट पर भी। हाँ तो सब बर्तन बर्तन सब मांगे लाई, इसमें मैंने पहले मैं ही नहाई हूँ तो ये देर थी, तो इस पर भी सतिया बना दिया, पलावा पलावा मैंने सब पे सब बना दिया। इतना पानी डालो फिर भी रोली गाड़ी ही हो जाती है। सो गाइस पूजा वगैरह सब कुछ, और मैं भी बैग वैग तैयार करके चीज रेडी हूँ, बस सब मैं निकलूँगी ऑफिस के लिए 2 से 4 मिनट बाद, और रास्ते में सुबह 7 बजे उठ गई थी यार, क्योंकि जब पहले दिन ना बहुत ज़्यादा काम होते हैं, कलश स्थापना श्रृंगार अखंड ज्योत की, उसके बाद आगे इतने काम नहीं आते, इसलिए सुबह जल्दी उठना था, मैं 7 बजे उठ गई थी। तो चलो चलते हैं ऑफिस की तरफ। चलो अब मैं चलती रिक्शा लेके ऑफिस गया, देखो सब जगह ना बाजार से पीछे ये यहाँ पे दिखाती है ये आम के ठहने ये सब, क्योंकि कलश स्थापना होती है ना, और हमारे यहाँ और देखो पुराने गेट पर ना हनुमान जयंती की तैयारी चल रही हो, कि हनुमान जयंती 6 तारीख तो सब जगह ऑरेंज ऑरेंज झंडे लग चुके हैं, वेट एल छू आज मुझे ऑफिस में देख के सर ने बोला
लाडू तो बाद में तो पहचान भी नहीं आ रही। लंच कर लिया, लंच में वैसे फास्ट तो कुछ कर नहीं था, बस मैं एप्पल और बनाना लाई थी वो खा लिया। बढ़िया, कुछ मन नहीं कर रहा, नींद आ रही है। सुबह 7 बजे की उठी हुई, वैसे भी अभी तो लंच टाइम चल रहा है, 2:15 बजे 3 बजे तक लंच टाइम होता है, तो मैं हाफ एन आवर की नैप ले लेती हूँ। सो मिलूंगी सो के उठने के बाद आपसे। आई एम बैक फ्रॉम ऑफिस और यहाँ पर चलिए खाने की तैयारी। मम्मी बनाएंगे व्रत का खाना। देखो ये आलू छील लिए, ये आलू फोड़ लिए, ये हो गई अरबी। फिलहाल तो मैं बना रही पापा का आलू का पराठा। मम्मी क्या बनाओगे तुम खाने में आज? कुट्टू का पराठा और आलू की सब्जी और अरबी की सब्जी। हम जा रही हूँ, बस तो दोबारा पकड़ाई होंगी ना, कोई दिक्कत होना है अभी तो बाद में खाएगी वैसे भी। हम ऑफिस से आ गए, अब खाने की तैयारी होगी। फिर रात को हम खाएंगे खाना, रात के 7 बज रहे हैं, मतलब 8:30 बजे खाएंगे। मम्मी यार बाहर वाले काली के मंदिर तक चलेंगे, कहते मैं तो शुक्र हुई फिर चलेंगे, है ना? अभी तो वहाँ कीर्तन हो रहा होगा। हाँ तो 8 बजे तक चलेंगे ना, तुम मंदिर जाओगे आज? देखती हूँ कुट्टू बनाऊंगी, कांचे ले जाऊंगी। बाहर वाले काली के मंदिर चलेंगे अब, तो पहले मैं तो शुक्र हो गया ठीक है, तो मैं देख के आती हूँ। ये राधा किशन जी, ठाकुर जी, ये तो इनके खुद के घर के ठाकुर जी, और वो जो बाहर मंदिर में है वो बाहर मंदिर बन रहा है ना ये उसके पीछे। मैं जाऊंगी तो मेरे पीछे पीछे जाएगा पत्ता मिस साहब। सो गाइस खाने के तैयार तैयार है, इधर लड़ रहे हैं। ये तुम लड़ते क्यों रहते हो हमेशा? इन दोनों पगलेट को कोई चैन नहीं हो। देखो ये खाने की थाली, आलू की सब्जी, अरबी, दही और कुटू के परांठे। मैं लगा रही हूँ यहाँ पे भोग, भोग लगाओ, भोग लगाओ, भोग लगाओ, भोग लगाओ। सो मैंने भोग लगा दिया, अब बस मैं खाना खा लूँगी क्योंकि मुझे लग रही भूख, बज रहे 8:30। यस, और मम्मी यहाँ पे सेक रही परांठे। ये रहा कुटू के परांठे। कुटू के परांठे सेकने ना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि ये ना बेलन से मिलते नहीं, इसको ऐसे ऐसे लेके फिर ऐसे 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 करना पड़ता है। मम्मी कैसे कैसे करना पड़ता है? अच्छा जो टाइट होते हैं वो तो बेलन से मिलते हैं, जो पतला होता है वो नहीं मिलता ना, फिर तो मुझे हाथ से करना पड़ता है ना, चाकू से साफ वाफ करना पड़ता है, तो इसलिए मेरे बस का टास्क नहीं है। और ये देखो ये भूतनाथ दोनों आ गए, आते ही फोन में लगे, इन्हें क्या चाहिए? फोन चाहिए। और जब से वाईफाई लग गई इनके और भी मजे, कितना भी फोन देखो नेट तो खत्म हो नहीं है। दोनों तुम ये देख रहे हैं शॉर्ट्स, बेटा तू पढ़ने के मारे यहाँ पर आएगा कि तुझे पापा क्या कहते हैं ना टेबल लर्न करने के लिए? अब तुझे पापा रात को आके टेबल सुनेंगे, फिर बताइयो क्या होगा तेरा। और साथ ही देखती है शॉर्ट्स, आई और पीयू की देखती है।